डोईवाला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डोईवाला शुगर मिल के सुरक्षा कर्मी पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण से पहले गोली चल गई, जिससे शुगर मिल के अधिशासी निदेशक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह घायल हो गए। वहीं घटना के बाद शुगर मिल के सुरक्षा कर्मी को निलंबित करते हुए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। घायल शुगर मिल के अधिशासी निदेशक का उपचार सिनर्जी अस्पताल देहरादून में किया गया है। वहीं जिसके बाद उन्होंने शाम तक अपने रूटीन के कार्यों को भी किया और बताया जा रहा है कि शुगर मिल में ध्वजारोहण के बाद हर्ष फायरिंग भी की गई। इसी दौरान सुरक्षाकर्मी से ध्वजारोहण से पूर्व ही गोली चल गई, जिसके 312 बोर के छर्रे निकलकर अधिशासी निदेशक के पेट में लगे, लेकिन घटना होने के बावजूद भी उन्होंने ध्वजारोहण किया। साथ ही राष्ट्रगान के पश्चात संविधान की शपथ भी दिलाई। अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने लापरवाही बरतने पर सुरक्षा कर्मी को निलंबित भी कर दिया है। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण से पूर्व हमारे सुरक्षा कर्मी के द्वारा गोली चल गई थी, जिसे मैं भी आहत हुआ हूँ और कतिपय और लोगों को छर्रे लगे हुए हैं। उस घटना के उपरांत भी, क्योंकि ध्वजारोहण का समय था तो मेरे द्वारा निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया गया, तत्पश्चात राष्ट्रीय गान गाया गया एवं संविधान को जो अंगीकार किया गया था उसके बाबत जो है सभी लोगों से शपथ कराई गई। तत्परांत मैं स्वयं अपने मेडिकल के लिए चला गया था। उसके उपरांत जो है कि क्यों घटना कैसे घटित हुई है, इसकी विस्तृत जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है और किन परिस्थितियों में इन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो वेपन चलाए जाते हैं या उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, इसके संबंध में और इसकी क्या आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, इस पे जो है मंथन करने के लिए कमेटी अपना